प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो सेकंड वाला यूनिट है डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का। हम इसके पहले एक चैप्टर पूरा ले चुके हैं और उसके अंदर कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस वाला टॉपिक लिया था, और अब इसके अंदर जो है आज का टॉपिक है वो संगामी बलों की साम्यावस्था, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी ऐसे बल जो किसी एक बिंदु पर मिलते हैं या यूं कहें किसी एक कण पर लगते हैं तो वो कण संतुलन में होता है। यानी जो सारे बल एक बिंदु पर मिलते हैं तो वो संगामी बल कहलाते हैं, और वो उन तीन या जितने बल होंगे उन बलों के अधीन वो कण संतुलन में होगा। ये अपने इसके अंदर मेन पार्ट है। तो सबसे पहले आता है बल त्रिभुज नियम। बल त्रिभुज नियम क्या है? देखिए, इसके जो सवाल आएंगे मैं इसकी मेन थीम यहां बता चुका हूं आपको, ये जो लिख चुका हूं इसको आप देखें। ये यूं कह रहा है कि अगर आपके पास तीन बल है जिसको हम पी क्यू आर कह रहे हैं, अगर इन तीनों बलों की दिशा और परिमाण को हम एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के एलोंग अगर निरूपित कर सके तो वो तीनों बल संतुलन में होंगे। मतलब अगर तीन बलों को उनको उनकी परिमाण और दिशा को हम त्रिभुज की भुजाओं के एलोंग अगर निरूपित कर सके तो वो तीनों बल संतुलन में होंगे। ये तो हमारा एक त्रिभुज, और ओरिजिनली जो चीजें पी क्यू आर है वास्तव में ये यहां जो एक कण है इस कण पर पी क्यू आर तीनों बल लग रहे हैं और ये तीनों बल इस कण को संतुलन में रख रहे हैं। ये हमारा मेन थीम है। अब दोनों डायग्राम में एक खास बात, वास्तव में कण पी क्यू आर की वजह से संतुलन में है, ठीक है, और ये तीनों बल यहां मिल रहे हैं इसलिए तीनों बल क्या हुए? संगामी बल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां दिखने में ऐसा लग रहा है कि भुजा ए बी के एलोंग बल पी काम कर रहा है, भुजा बी सी के एलोंग कण बल क्यू काम कर रहा है, और भुजा सी ए के एलोंग बल आर काम कर रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, केवल भुजाओं द्वारा निरूपित किया गया है। वास्तव में इस भुजा पर, इन भुजाओं पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। आपको बल तो तीनों ही इस तरीके से किसी कण पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, तो वे तीनों बल संतुलन में होंगे, और इसीलिए इसको बल त्रिभुज नियम कहा है। फिर त्रिभुज नियम से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा एक कंक्लूजन जो आएगा वो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी बल त्रिभुज नियम में पहली बात क्या याद रखनी, तीनों बलों को हम त्रिभुज की भुजाओं के एलोंग निरूपित कर सके, दूसरी बात तभी वो संतुलन में होंगे, तीसरी बात तीनों बलों का सदिश योग जीरो होगा। तीन बातें आपको बल त्रिभुज नियम में ये याद रखनी है। अब चौथी बात आती है इसका अपोजिट। यहां दिया था कि तीनों बल अगर त्रिभुज की भुजाओं के अनुरूप एलोंग अगर व्यक्त किए जा सके तो संतुलन में होते हैं, लेकिन विलोम में अगर वो तीनों बल संतुलन में है तो उनको अपन तीनों बलों को त्रिभुज की तीनों भुजाओं के एलोंग निरूपित कर सकते हैं। ये इसका अपोजिट, एक कॉमन बात। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज दे रखी है ये बल पी अपॉन ए बी Q अपॉन बी सी आर अपॉन सी ही यहीं से लिया गया, P अपॉन भुजा ए बी, Q अपॉन भुजा बी सी और Q अपॉन भुजा मतलब R अपॉन भुजा ए सी, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो ये चौथा फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। हम जो इसके जो सवाल आएंगे, सवाल करेंगे, उसके अंदर ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे खास तौर से, ठीक है। और ये जो है उसके अंदर क्वेश्चन में लैंग्वेज को हम जो देखेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपके इस फॉर्मेट के अंदर होगी, ठीक है। ये इसी के इसके अंदर इसको एक पैरेललोग्राम बता दिया है, तो कोई विशेष बात नहीं है, हमें खाली त्रिभुज देखना है। ये हमारा बल त्रिभुज नियम है, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे मैं आपको पहले से बता दूं। एक तो अच्छा, क्वेश्चन से पहले
दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो जो खास शर्तें इसकी, शर्तें ये है कि आप जो मैं बता चुका हूं, कहीं आप पी क्यू आर को इनकी भुजाओं के ऊपर या भुजाओं के दिशा में लग रहे नहीं मानना है, ठीक है ना, बल तो ये इसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप जब भुजाएं लेते हैं तो भुजाओं का क्रम नहीं चूकना है, क्रम में वही रखना है, ये हमारे को खास बात ध्यान में रखनी है। सवाल जो आएगी उसके अंदर हम एक तो ये वाला यूज करेंगे, कैसे करेंगे हमारे को, क्योंकि देखो ये जो दे रखा है अगर ध्यान से देखो तो ये पी क्यू आर एक तरह से भुजाओं के साथ में अनुपात में ले रखी, यूं कह सकते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी या क्यू अपॉन आर इक्वल टू बी सी अपॉन सी, ऐसे अनुपातों में अपन लिख सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ये हमारे बल त्रिभुज नियम है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैंने क्वेश्चन लिया है, बल त्रिभुज नियम के बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं मैंने दो सब सेक्शन लेकर के, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई कण इस प्रकार क्रियाशील पी क्यू आर परिणामों वाले बलों के अंतर्गत संतुलन में रह सकता है जबकि पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर है 3:2:1 और दूसरे वाले में 10:4:5। क्या कहा इसने, क्या कोई कण इस प्रकार क्रियाशील पी क्यू आर परिमाणों वाले बलों के अंतर्गत संतुलन में रह सकता है जबकि पी क्यू आर का अनुपात आपके पास इस तरीके से दे रखा है, यानी आपको बताना है कि ये ऐसे अगर अनुपात हो तो वो संतुलन में होगा या नहीं। तो देखिए इसके लिए आपको जो मैंने एक लास्ट स्टेट बताई थी, आपको क्या करना है, पी अपॉन थ्री इक्वल टू क्यू अपॉन टू इक्वल टू आर अपॉन वन इक्वल टू आप कुछ लेमड़ा मान ले। अब इसके अंदर आपके पी क्या हो जाएगा, थ्री लेमड़ा, क्यू आपके टू लेमड़ा और आर आपके हो जाएगा लेमड़ा। अब आपको ये देखना है कि हमने जो बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो संतुलन वाली कंडीशन के लिए, ये कंडीशन अपन ने पढ़ रखी है। अब यहां आपको ये देखना है कि इन बलों को ऐसे सेट करना है कि इनका रिजल्टेड जो है एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि P को आप रखें थ्री लेमड़ा और Q इक्वल टू माइनस टू लेमड़ा और R इक्वल टू माइनस लेमड़ा कर दें, तो उस केस में आपके ये P प्लस Q प्लस R इक्वल टू जीरो बन रहा है। इसका मतलब इस तरह के बलों के अधीन वो संतुलन में तो रह सकता है, लेकिन यहां हमारे पास एक लैंग्वेज होगी कैसे कि P की दिशा Q और यानी कि जो आपके R और Q इन दोनों की दिशा के विपरीत होगी P की दिशा, है ना, ये इसके अंदर आपको खास ध्यान से देखना होगा। इसकी इन दोनों बलों की दिशा के यानी ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में होंगे और ये इनके अपोजिट होंगे, तभी ये अनुपात जो है मान्य होंगे, यानी कि कण इस प्रकार के बलों के अधीन संतुलन में होगा, ये आपके समझ में आ गई होगी बात। अब अगर हम इसकी बात करें सेकंड वाले में, तो देखें सेम कंडीशन इसके अंदर भी ले लेंगे अपन, तो ये P इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 10 लेमड़ा, Q इक्वल टू 4 लेमड़ा और R इक्वल टू 5 लेमड़ा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हम इनकी डायरेक्शन कैसे भी ऊपर नीचे करें तो हमारे P प्लस Q प्लस R जो है वो
जीरो नहीं आ रहा है। आप देख लो कैसे भी कर दो आगे पीछे, आप इनको आप 10 और 5 को जोड़ो तो 15 हो रहा है, ठीक है। किसी को भी ले लो आप, सेट इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इन बलों को हम अगर यू किसी कण पर लगाएं तो कण संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि इनको हम एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित नहीं कर सकते हैं। ये आपको खास तौर से समझना होगा, क्योंकि आप देख लो कि किन्हीं, वैसे भी आपको पता होगा कि किन्हीं भुजाओं, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि बलों को अपन उसकी त्रिभुज की भुजाओं को क्रमानुसार अगर निरूपित कर सके तभी। तो यहां अगर करोगे तो त्रिभुज के अंदर एक नियम बन जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो ये इसके अंदर वो नियम भी लग रहा है। तो यहाँ अपने जब तीनों को अपन जीरो नहीं कर पा रहे आगे पीछे करके, इसका मतलब ये बल संतुलन में नहीं रख पाएंगे किसी भी कण को। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लंबे और बड़े नहीं आते, आपको खाली ऐसे ही ध्यान देना। अब इसका क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, वो क्या करेगा कि तीन बल पी क्यू आर 3:2:1 के अनुपात में है। अब वो क्या करेगा, वह मतलब उसके अंदर आपके जो ऑप्शन देगा उस ऑप्शन के अंदर वो कहेगा कि संतुलन में होने के लिए पी क्यू आर, ध्यान से देखना मैं इसको सिंबोलिक लिख रहा हूं, ठीक है। और वहां जो है आपके वो सिंबोलिक नहीं आएगा, लैंग्वेज में आएगा। कैसे, मैं इसमें लिख दूं, सपोज मैंने पहली शर्त, चलो मैं काम करता हूं पी को बता देता हूं ऐसे और क्यू और आर की दिशा को बदलता हूं अपोजिट, तो आपके ये वाला आंसर करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि पी इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए, या यू कहें कि पी के ये दोनों अपोजिट होने चाहिए। अब अगर वो कह दे कि ये सभी ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, या वो ये कह दे कि ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो भी ये संतुलन नहीं होंगे, है ना। और इस तरीके से इसके लिए भी वो लगा देगा, सपोज इसने ये कर दिया और ये कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, तो देख लो आपके करेक्ट आंसर जो होगा ये पहला वाला होगा। तो वो ये ऐसे लैंग्वेज बोलेगा कि P की दिशा Q और R दोनों की दिशा के विपरीत है, या P की दिशा और Q की दिशा दोनों की R की दिशा के विपरीत है, ठीक है, या ये कहेगा कि P और R की दिशा Q की दिशा के विपरीत है। और तो इस तरीके से वो लैंग्वेज बनाएगा ना, तो उस लैंग्वेज से हमारे कंफ्यूजन होगा। तो लैंग्वेज पढ़ने से जस्ट पहले ही अगर आपको ये सिस्टम दिमाग में आ जाए कि इन तीनों में से किन दो को जोड़ने पर तीसरे के साथ में उसका एल्जेब्रिक सम जीरो आ जाए, है ना, वो अगर पहले ही पता होगा तो आप डायरेक्ट इस लैंग्वेज में पढ़े बिना ही आप डायरेक्ट आप ऑप्शन को करेक्ट कर लोगे, है ना, इजी तरीका। ये आपको आप ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज रूप का एक समान समतल जिसका एक कोण 120 डिग्री का है, इसके केंद्र पर दो बल विकर्णों की तरफ इस प्रकार क्रियाशील है कि सम चतुर्भुज की एक भुजा क्षैतिज रहती है। यदि P और Q वे बल हैं तथा P बड़ा है Q से, तो सिद्ध कीजिए कि P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बात दी, एक समतल है और वो किस प्रकार का है, सम चतुर्भुजाकार। सम चतुर्भुजाकार के अंदर सबसे खास बात आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात तो चारों भुजाएं समान होती है, और इसके अंदर इसने एक बात की दी कि इसका एक कोण जो है वो 120 डिग्री है, ये वाला हम 120 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसने जो कहा, हमें ये पता कि इसके केंद्र पर दो बल विकर्णों की तरफ क्रियाशील है, तो केंद्र इसका ये हो जाएगा O आपके, और विकर्णों की तरफ तो ये P और Q दो बल कार्यरत है, ठीक है। अब ये पता है कि ये बल अगर कार्य है तो तीसरा बल, यहां पर जो पार्टिकल है वो संतुलन में हो, इसके लिए एक बल इसका भार बल वो नीचे की तरफ काम करेगा, ये पता है। अब ये 120 है
और ये क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण मध्य जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये अपने को पता है ना। तो ये आपके पास में OC है ना और OA बराबर है, इधर OB और OD बराबर है, इधर आपके ये 90 डिग्री है आपको पता है, ये अगर 120 है तो आपको मालूम है कि ये 60 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 ये आपके 60 और इसमें करना है, ठीक है ना, तो ये और ये पूरा 120 होगा, ठीक है, तो ये आपके 60 हो जाएगा। अब आपके समझने आया इसके अंदर, इसने जो कहा है कि अपने को पी स्क्वायर 3Q इसको प्रूव करना है, P बड़ा है Q से और कोण ABC हमने मान लिया 120 डिग्री, ठीक है। हमें बल त्रिभुज नियम लगाना है, सीधी सीधी बात, तो हम बल त्रिभुज नियम इसके अंदर लगा देंगे। और आपको पता हो तो मैंने जो कहा था कि उसके अंदर P अपॉन AB इक्वल टू Q अपॉन BC इक्वल टू R अपॉन CA, ये वाले फॉर्मूले की बात हमने की थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन अगर यूज करें तो ये क्या हो जाएगा आपके P अपॉन इसके सामने P अपॉन, तो ये आपके इसका हो जाएगा OC इक्वल टू Q अपॉन आपके हो जाएगा OD। हमारे दो से ही काम चल जाएगा क्योंकि P और Q का इस काम है, दोनों उसके अलावा किसी का काम है ही नहीं, तो इसलिए अपन इसको सेट कर लेते हैं, ये P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा OC अपॉन OD। अब इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ये क्या बन जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू OC अपॉन OD। देखिए OC अपॉन OD आपको पता हो तो इसके अंदर हम टेन 30 की बात करें अगर, ठीक है, तो टेन 30 में ये क्या हो जाएगा आपके ये लंब और ये आधार, ठीक है ना, यानी कि OD अपॉन OC हो जाएगा। हम कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम कैसे भी ले सकते हैं, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 OD अपॉन OC की वैल्यू, तो आप यहां पर इसको √3/1 कर दें, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा P इक्वल टू √3Q और ये P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, जो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट था जो प्रूव करना था, ये अपना आंसर। तो जरूरी जरूरी सूचनाओं के बेस पे हम काम कर सकते हैं। मैंने पहले भी ही कहा था जब मैंने शुरुआत की थी तब हमने बात की थी कि हमें जो इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले में काम में लेने होंगे हमें उनका ध्यान रखना होगा, ये आप इसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है और ये चीजें अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपको इससे फायदा हो रहा है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप अपने साथियों को भी शेयर करें, सभी को इसका फायदा मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लिया है मैंने, और क्वेश्चन है एक कण पर क्रियाशील 8 न्यूटन 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के 3 बल संतुलन में है, प्रदर्शित कीजिए कि 2 न्यूनतम बलों के मध्य का कोण कोस इनवर्स 23/40 होगा। ये हमारा सवाल है। मैंने यहाँ जरूरी सूचना यहाँ डाल दी है, गिवन PQR 8 न्यूटन 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, इन तीनों बलों के अधीन कण संतुलन में है। ये कह रहा है कि इसमें से 2 न्यूनतम बलों के बीच जो कोण है वो कोस इनवर्स 23/40 होगा। अब दिखने में बहुत भारी भरकम लगता है, देखिए आंसर मैंने पहले लिख दिए हैं ताकि आपको याद भी रहे कि इसमें करना क्या है। डायग्राम क्योंकि 3 बल है और हमारा बल त्रिभुज नियम कहता है कि हम अगर कोई कण इन 3 बलों के अधीन संतुलन में है तो हम उनको तीनों बलों को एक त्रिभुज की भुजाओं के एलोंग क्रमानुसार निरूपित कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक त्रिभुज है ये BCAB, भले ABCA, तो ये इसके अंदर मैंने क्रमानुसार इस क्रमानुसार इस तरह से 8 न्यूटन 5 न्यूटन और 4 न्यूटन कर दिया। अब यहाँ जो इसने पूछा है कि 2 न्यूनतम बलों के बीच का कोण, न्यूनतम बल कौन से हुए 4 न्यूटन और
5 न्यूटन। इन दोनों बलों के बीच का कौन कौन सा है? ये वाला मत कर देना, ध्यान देना है। इन दोनों बलों के बीच का कौन? ये वाला होगा, ध्यान रखना, बार वाला। तो ये हमें इसके अंदर करना पाई माइनस ए निकालना है। अब आप अगर ध्यान से देखें, एक खास चीज अगर आप जानते हो, आपको पहले से पता होगा, एक त्रिभुज के अंदर ए बी सी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मालूम है कि ये होता है ए, और सॉरी ये होता है सी, ये होता है स्मॉल ए और ये बी। और आपको अगर पता हो तो हमारे पास ए वाला है, तो अगर आपको ध्यान हो तो कोस ए इक्वल टू क्या होगा? कोस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। ये फॉर्मूला होता है। अगर यह बी होता, ठीक है, तो माइनस में बी चला जाता, सी होता तो माइनस में सी चला जाता स्क्वायर के रूप में। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपके ये क्या बन जाएगा, देखो, कोस ए इक्वल टू आपके इसके अंदर, हम इसके अंदर लिख देते हैं, ये वाला निकालना है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो आगे आपके आ जाएगा, अपन तो पहले इनको चार और पांच को ले लेते हैं डायरेक्टली, है ना, क्योंकि पता है हमें कि चार स्क्वायर प्लस पांच स्क्वायर माइनस आठ स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर इंटू फाइव, क्योंकि अपन भुजाओं के को क्रमानुसार लिख सकते रहे इसलिए, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने इसको लिख दिया, ये कोस ए इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, चार चौक सोलह प्लस पच्चीस माइनस चौसठ बटा चालीस। तो आप देखो कि ये ए इक्वल टू आ रहा है कोस इनवर्स माइनस का कितना, तेबीस बटा चालीस। अब यहाँ ये आंसर हमारा किस में आ रहा था, माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, तो हमारा कोण भी तो पाई माइनस ए है ना। तो ये पाई माइनस ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस तेबीस बटा चालीस। तो ये आपके आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स तेबीस बटा चालीस, ये हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, और यही हमारे इसके अंदर पूछा है। बस ये इतना सा काम करना है, क्वेश्चन को देख करके मैं भारी भरकम लगता है, लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा है, आप आराम से इसको कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन समान परिमाण वाले बल एक बिंदु पर इस प्रकार लगे हैं कि उनके मध्य के कोण क्रमशः 80 डिग्री, 120 डिग्री और 160 डिग्री है। यानी जो कोण दे रखे हैं आपके, एक तरह से हम इसमें ये कह सकते हैं कि कोण ए इक्वल टू 80 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 120 डिग्री और कोण सी इक्वल टू 160 डिग्री। अब ये कह रहा है, मान लीजिए अगर अपन तीनों बल जो है वो P परिमाण वाले हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या वे बल संतुलन में है? तो सबसे खास बात कि क्योंकि इन तीनों कोणों से हम समबाहु त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये तीनों बल आपके संतुलन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। बस खाली इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर, क्योंकि हमारा बल त्रिभुज नियम, मैंने कहा ना, बल त्रिभुज नियम की विशेषता यही से कि जो तीन बल काम कर रहे हैं और जिन तीन बलों के अधीन अगर कोई कण संतुलन में है तो उन तीनों
बलों को किसी त्रिभुज की भुजाओं के एलोंग उसको क्रमानुसार निरूपित किया जा सकता है, इसीलिए वह बल त्रिभुज निम्न कहलाया। और इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये कोण जो होंगे ये तीनों मिलकर के एक समबाहु त्रिभुज की रचना नहीं कर पा रहे, और इसलिए हमारा कर्ण संतुलन में नहीं होगा।